आपका नाम है विश्वकर्मा सुशील कुमार कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप मेरे को कहाँ पर रहते हैं जी मैं अभी फिलहाल चेन्नई में रहता हूँ चेन्नई में हूं। इंडिया ओरिजिनली के, रह, के रहने वाले हैं आपकी हिंदी बड़ी लाजवाब है आपकी जी मैं कोलकाता के रहने वाला हूँ कोलकाता के रहने वाले रहे जी।, रहे हैं। जी क्या काम करते हैं यहाँ पर जी मैं फिलहाल में जॉब करता एज एज अ सीनियर एसोसिएट और सी जो बैंक है उसका एज ए क्लाइंट

जी कनाडा का जैसे कि फेसबुक में बहुत सारे जॉब सर्च कनाडा का आते हैं तो उसमें एक आया था एडवरटाइजमेंट में तो वहाँ पे मैंने जस्ट अप्लाई किया था वाया फेसबुक तो उसके दो तो तीन दिन के बाद मुझे मैसेंजर में आया था कंपनी की तरफ से क्या क्या प्रोफाइल है और क्या जॉब है तो मैसेंजर में आया था फिर मुझे वहाँ गया था कि एक स्पेंसर स्पेंसर ग्रुप ग्रुप ऑफ कंपनी सर जी पहली बात तो ये कि आप पढ़े लिखे हैं आप टीसीएस में काम करते हैं और अच्छे आपके पास प्रोफाइल है आ, जो ये कंपनियां जो हायरिंग करती हैं अगर हायरिंग करती हैं पहली बात तो इंडिया से क्यों हायरिंग करेंगी दूसरी बात ये है जो हायरिंग करती हैं तो वो फेसबुक से क्यों हायरिंग करेंगी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं अगर आपको प्रोफेशनल जॉब्स वगैरह अगर कैनेडा की पहली बात तो बेरोजगारी चलती है आजकल कोविड का वो है तो ये जॉब ऑफर जो दे रहे हैं ये तो मैं मान के चलता हूं कि ये ऑलरेडी फ्रॉड है अगर आप मेरे को कोई 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 सबूत दिखाएं उनका कंपनी का लेटर है आपके पास या क्या, क्या कुछ है हाँ, कुछ दिखाएं हाँ जी उन, उन्होंने मुझे एग्रीमेंट लेटर भेजा था जॉब का उसमें बताया गया था कि मुझे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कनाडा बेस्ड इन मुंबई है वहाँ पर कांटेक्ट करना तो उनका नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ दिया था तो उनके कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने सर जी हाँ, देखिए ये सब बकवास है सब सब बकवास है कौंसुलेट जनरल ऑफ कनाडा इन मुंबई अप्लाई करना है फलाना करना सर जी आप इतने पढ़े लिखे लोग हो आप इतने हाई लेवल की जॉब कर रहे हो टीसीएस में टीसीएस कोई बेवकूफ कंपनी तो नहीं है है जिन्होंने आपको 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 जॉब दी कोई 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 ना कोई आपको कोई, आपका बैकग्राउंड देखकर जिन्होंनेसिबल पोजिशन लगाया होगा कौनसुलेट जनरल ऑफ ऑफ कनाडा मुंबई में जाने की जरूरत क्या है आजकल सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन लगती है अगर कोई इंसान कह रहा है कि जी इस इस जगह जाओ उस जगह जगाओ इट हैज नो नो सेंस एट ऑल इस छोटी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन से ही मालूम पड़ रहा है कि धोखा है कुछ ना कुछ फ्रॉड है और जॉब जॉब किस चीज की दे रहे रहे हैं हैं आपको क्या बोल वो एक्चुअली मैंने पूछा उन्होंने बताया कि फर्स्ट आई हैव वहां पर सब कुछ प्रोसेस uh, करेंगे सब... लेकिन मुझे फर्स्ट वीजा प्रोसेस करना प्रोसीड नहीं किया और वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए पहले डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है ऐसा नहीं है कि वीजा अप्लाई पहले करो और बाद में कागज आएंगे ऐसा नहीं होने वाला है तो ये, ये काम ही उल्टा बता रहे हैं आपको और और जाहिर है कि आपसे पैसे भी मांग रहे होंगे कुछ ना कुछ जी करेक्ट तो जो कि, हाँ, कितने मांग, मांग रहे थे कितने जो कंपनी से कंपनी की तरफ से नहीं मांगा कंपनी ने जो मुझे जिसका रेफरेंस दिया जो मुंबई में रहते हैं कॉन्सिलट जनरल उन्होंने मुझे सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोले भेजने के लिए प्लस सिक्सटीन उनके अकाउंट में भेजने वाले या काउंसलेट जनरल कभी भी कैसे पैसे ये नहीं कहती कि पैसा मेरे को अकाउंट में भेजो फलाना भेजो ये सब ये सब धोखा है यार आप समझ समझने की कोशिश करो ऐसे वीजे नहीं लगते ये जो कंट्रीज हैं कनाडा है अमेरिका है एडवांस कंट्रीज हैं इस तरह के आपसे ये जो एप्लीकेशन सिस्टम है जब आप फाइल करते हो ऑनलाइन तो उसी में आपकी वो एप्लीकेशन जाती है फीस जमा होती है ये नहीं कि अलग से अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर में दे रहे हैं आप आप कुछ आपको कुछ वो हो गया था टीवी दिखा रहे थे आप तो इस करके आप इनको छोड़ो ये सब धोखा है ये कुछ नहीं होने वाला तो चुप करके कर। आप अपना टीसीएस में काम करो डेट इज अ गुड आइडिया और वहीं से करते रहो कितनी तनख्वाह मिल रही है टीसीएस में जी ज्यादा नहीं करीब ज्यादा नहीं कुछ तो मिल रही है भाई ट्वेंटीर्स तो एटलीस्ट यू हैव सम सम काइंड ऑफ जॉब लॉट ऑफ पीपल कॉल मी एंड दे से दे आर जॉबलेस दे आर फार्मर्स और दे आर डूइंग समथिंग एल्स दे बीन रेड फ्रॉम द जॉब्स मे बी इन द टेक्नी यू नो लाइक अ क्रेन ऑपरेटर और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर और समथिंग एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू गो ऑन सो इस धोखे में मत आना ये सब धोखा है और uh, कहीं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है

जब वो कह ही रहे हैं तो आप छोड़ो फिर आप तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ये बात सही है कि कैनेडियन सिटीजन हैं जो पियाज हैं वहाँ के जो लोकल रहते हैं उनको जॉब पहले मिलेगी क्यों हर एक कंट्री में ऐसा होता है अमेरिका भी ऐसा करता है जर्मनी भी ऐसा करता है यूरोप ऑस्ट्रेलिया हर एक कंट्री में जो लोकल वहाँ के जो सिटीजन्स हैं रेजिडेंट्स हैं उनको पहले जॉब दी जाती है इवन इंडिया, इंडिया में इंडिया में अगर कोई फॉरनर अगर 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 कोई काम करना चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट पहले कहती है कि पहले हम लोकल को आदमी को जॉब देंगे आपको पता नहीं इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसे करती है तो हर एक हर एक हर एक कंट्री ऐसे करती है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और अगर आपकी जॉब बहुत ही यूनिक नहीं है जैसे हो सकता है कि आप बहुत बड़े कोई डॉक्टर हो कोई गूगल के साइंटिस्ट हो सॉफ्टवेयर जीनियस हो उनको ऐसा कोई बंदा मिल ही नहीं रहा है पूरे कैनेडा में कि आप जैसा बंदा कोई आके काम करेगा तब तो ठीक है उनका एक एल एम आई का प्रोसेस है उसको हम उसके थ्रू वर्क पर मिलता है लेकिन अगर जो रेगुलर जॉब्स हैं उसमें तो अगर इतना आसान होता सबको जॉब मिलना तो पूरा पूरा इंडिया खाली हो जाना था एक हफ्ते के अंदर तो आप आ, मान के चलें कि ठीक है जो वो कह रहे हैं सही है और जॉब अप्लाई करें हमेशा डायरेक्टली कंपनी से किसी एजेंट से ब्रोकर से जो इधर कहता है कि अकाउंट में पैसे डाल दो वो तो सरासर ही धोखा है दो तीन बातें मैं आपको तो ऐसा ऐसा समरी बता देता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास कम है आ, ए, पहली बात तो अगर आप किसी भी कंपनी से डील कर रहे हैं डायरेक्टली उनसे जो भी कंपनी है उनसे कहें कि पहले मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजें पहले उनका जॉब ऑफर लेटर एल अगर है तो उसके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पहले भेजें चेक करें कि वो कंपनी कितने साल से चल रही है क्या उनका बैकग्राउंड है कितनी सेल्स है कितना टर्न है उनका कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कोई रेफरेंस है कि नहीं है और किसी अगर रेफरेंस कोई अगर दिखता है लिंक पे या कहीं फेसबुक पे तो किसी एम्प्लॉय को कॉल करके पता करें दूसरी बात जो इंसान आपको कह रहा है कि वर्क वीज़ा अप्लाई करना है किसी ऑफिस में जाके वो सब सरासर धोखा है उनसे पूछो कि वर्क वीज़ा आप अप्लाई करेंगे कि मेरे को अप्लाई करना है अगर मेरे को करना है तो मेरे को कौन से फॉर्म्स भरने हैं क्या करना है कितनी फीस है, तो कि है तो आदमी वो, वो ज्यादा तो ये अगर उनका कोई लॉयर है अगर उनकी तरफ से अगर हो सकता है कि उनका लॉयर कोई कर रहा हो तो उस लॉयर का आपको नंबर वगैरह चाहिए फोन नंबर चाहिए उससे अगर आप ये दो स्टेप करेंगे तो धोखे से बच सकते हैं जी यहाँ के जैसे बहुत सारे जहाँ जो लोग ओवरसीज

मैंने इसके बारे में भी बहुत लोगों को पहले बताया है कि अगर कोई कंसल्टेंट अगर आपका चेन्नई में बंगलौर में हैदराबाद में कहता है कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा इतने पैसे दो उससे कहना है भाई साहब मैं पैसे दे दूंगा पहले आप मेरे को वकील का नाम बताओ कौन सा वकील है जो आपका कंसल्टेंट है रजिस्टेड कंसल्टेंट वकील है जो ये मेरा केस करेगा तो पहले उसका नाम दे उससे उससे डायरेक्टली बात करें फिर जाके पैसे की बात जो होगी वो वो बाद में होगी जो पैसा देना देना जो है वो हमें कनाडा के किसी अकाउंट में देना पड़ेगा अगर शेयर लॉयर चार्ज करेगा तो उसकी रसीद चाहिए हमें उसका रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो पहले जब वो सब कागज कुछ है नहीं है पैसे लेने की बात पहले हो गई तो वो अल्टीमेटली धोखा होने वाला है मैंने तो इतने साल हो गए इस तरह की कॉल्स आती है मेरे को रोज जैसे आपने कॉल करा कि हमे, हमें हमें ऐसा हो गया मैंने तो आज तक किसी का कोई जेन्यन जॉब देखा नहीं आज तक नहीं देखा मतलब सो दैट मीन सो मेनी इयर्स सो मेरे को नहीं पता कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर धोखा खा जाएंगे तो बाकी छोटे लोग कहाँ जाएंगे इसलिए आपका सहारा लिया धोखा ना खाना पड़े थैंक यू वेरी मच थैंक यू कर्मनाथ थैंक यू सो मच थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए सेफ, थैंक थैंक यू, यू बाय। सो मच।